सुल्तानपुर के बारामंकी जिले में आबकारी महकमे में तैनात सिपाही की सोमवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक सिपाही दो दिन पहले ही छुट्टी लेकर घर आया था। घटना के पीछे मामूली विवाद सामने आया है। फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम करने के साथ छानबीन कर रही है। बताते चले कि पूरा मामला जिले के दोस्तपुर थाना अंतर्गत बनी अलहदादपुर गांव की है। गांव निवासी सुनील यादव बाराबंकी जिले के आबकारी विभाग में सिपाही के पद पर तैनात था। शनिवार को वह दो दिन पहले छुट्टी लेकर घर आया था। आज सुबह मृतक सिपाही घर से थोड़ी दूर पर स्थित खेत से पशुओं के लिए चारा काटने गया था। चारा सिर पर लादकर जब वो घर लौट रहा था, तभी घात लगाकर बैठे लोगों ने पीछे से उस पर गोली चला दी। गोली सिपाही के पीठ में लगी। लहूलुहान हालत में वो भागकर घर पहुंचा। सिपाही के घर पहुंचते ही घर पर कोहराम मच गया। परिवार के लोगों ने आनन-फानन में सिपाही को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने सिपाही को मृतक घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही सीओ कादीपुर सुवेंद्र कुमार ने बताया कि हमलावर की पहचान लवकुश पुत्र ओम प्रकाश के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि अभी मृतक के परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे भाई है सुनील यादव। हमारे भाई चरी काटने गए थे, वही लवकुश मिश्रा ने गोली मारा। नहीं सर, हमारे भाई अब कारी सिपाही थे, हमारा मंगी रहते थे। दोस्तपुर के अंतर्गत जो घटना हुई, इसके संबंध में क्या करें? आपको बता दें कि आज थाना दोस्तपुर में अलादपुर गांव पड़ता है, जिसमें 24 का पूर्वाह्न है। सुनील कुमार अपने खेत से चारा काट कर आ रहा था, तो गांव के ही लवकुश मिश्रा के द्वारा उसे गोली मार दी गई, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। गाँव में पूछताछ करी गई तो गाँव वालों ने बताया कि वो दोनों दोस्त भी थे, उनका अच्छा उठना बैठना भी था। कोई विवाद अभी तक संज्ञान में नहीं आया। गांव वालों ने भी स्पष्ट किसी विवाद से इनकार किया है। शेष जो विधिक प्रक्रिया उसको पुलिस संपन्न करवा रही है और अपराधी को पकड़ने के लिए टीम रवाना।